नमस्ते, मैं आरती ज्ञानगंगा इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। मैं आज पहली बार ज्ञानगंगा इस प्लेटफॉर्म पे आपके सामने आई हूँ। और दिसंबर में जो हमारी ट्रिपल आई की एग्ज़ाम हुई थी उसका आज रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, और हमारे जो सारे स्टूडेंट थे वो सारे स्टूडेंट ने अच्छे से मार्क्स लेके एग्ज़ाम पास किया है। उस सभी स्टूडेंट को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करती हूँ। और हमारी नेक्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम आने वाली है 21 मई को। 21 मई से लेके 28 मई तक हमारी एग्ज़ाम है, और उसके लिए हमें एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा। हमारे एग्ज़ाम फॉर्म की लास्ट डेट होगी 28 फरवरी तक हमें एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद में हमें लेट फी लगने वाली है। 5 मार्च तक हम एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 1000 रुपये हमें लेट फी लगने वाली है। साथ ही साथ में वेबसाइट पे असाइनमेंट भी आई है। 5 मार्च तक हमें असाइनमेंट सबमिट करनी होगी। उसके बाद में हम असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं 10 मार्च तक, लेकिन हमें पर सब्जेक्ट 200 रुपीज़ लेट फी भरनी पड़ेगी। और आज के हिसाब आज जो रिजल्ट लगा, हमारे ग्रुप पे जो डिस्कशन हुआ उसमें से पता चला कि जो स्टूडेंट है उन्होंने उनको 39 मार्क्स मिले। उन्होंने डायरेक्टली ट्रिपल आई के हेड क्वार्टर को मेल किया कि वाई वाई और क्वेश्चन मार्क डाल के मैसेज किया। एक्चुअली उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। उनको अपना प्रॉब्लम क्या है वो अच्छे से बताना चाहिए। एक्चुअली उन्होंने जो आंसर की क्वेश्चन पेपर जो सबमिट किया है उसके बाद में जो आंसर की आती है, वो आंसर की प्लस असाइनमेंट दोनों को मार्क्स मिला के उनको 65 मिल रहे थे। उन्होंने ये एविडेंस ना देते हुए सिर्फ वाई ऐसा क्वेश्चन पूछा। उनको ये एविडेंस देना चाहिए था आंसर की के साथ में असाइनमेंट और दोनों का जो मार्क्स होता है उनको पूछना चाहिए था, सर मुझे 65 मार्क्स है, लेकिन आप एक बार इस फॉर्म को रीचेक करो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे हिसाब से मुझे 65 मार्क्स मिलने चाहिए। तो ये उसने पोलाइटली पूछा तो शायद नहीं तो वो कर सकते। ट्रिपल आई वाले जरूर इसके बारे में 100% सोचेंगे और उसका फॉर्म रीचेकिंग जरूर होगा। और ऐसे आपके कई सारे क्वेश्चन होंगे या डाउट होंगे तो हमें व्हाट्सएप पे या हमारे कमेंट्स करके पूछिए। हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसको शेयर करेंगे। धन्यवाद।